हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कड़ी पत्ते खाने की क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, ये भी जानेंगे कि कड़ी पत्ता कितना खाना चाहिए, और इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कड़ी पत्ते में ऐसे क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू पाए जाते हैं जो कि इस पत्ते को खास बनाता है। ये सारी चीजें वन बाय वन करके इस वीडियो में जानेंगे। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अधिकतर सभी के घर में कड़ी का पौधा आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग कड़ी के पत्ते को लगाना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि यह कड़ी पत्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इसका सेवन क्यों करना चाहिए आपको आज इस वीडियो में एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग कुछ नया जानेंगे। कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता एक ऐसा पत्ता है जिसका इस्तेमाल मुझे लगता है हर घर में होता ही है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कड़ी पत्ते खाने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे वन बाय वन करके। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि अगर किन्हीं के घर में डायबिटिक पर्सन है, किन्हीं को शुगर है, तो उनके लिए कड़ी पत्ते का सेवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि कड़ी पत्ता एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह काम करता है। जिन्हें शुगर होता है उन्हें कहा जाता है कि जामुन खाए, क्योंकि जामुन बहुत ही अच्छा होता है अगर कोई डायबिटिक पर्सन खाते हैं तो ठीक उसी तरह जामुन की ही तरह कड़ी पत्ता भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, और यह शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। अगर किन्हीं को डायबिटीज है तो उनके लिए कड़ी पत्ते की चाय बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कड़ी पत्ते की चाय बनाना बहुत ही सिंपल है। बस बॉइल्ड पानी में आपको ताजे पत्ते डाल देने हैं कड़ी के, और जब वो कलर छोड़ दे, मतलब थोड़ी देर के बाद जब वो पत्ता बॉयल हो जाए तो फिर उसे छान ले। हो गई कड़ी पत्ते की चाय तैयार। आप चाहे तो उसमें नींबू का रस मिलाकर भी इस चाय को पी सकते हैं। आप कड़ी पत्ते का और तरह से भी सेवन कर सकते हैं। आप कड़ी पत्ते का पाउडर बनाकर घर में रख सकते हैं। अगर आप जब दाल खा रहे हैं तो उसमें कड़ी पत्ते का थोड़ा सा पाउडर मिला लें, या फिर छाछ पी रहे हैं तो थोड़ा सा आप कड़ी पत्ते का पाउडर मिलाकर छाछ पी लें। तो किसी न किसी रूप में कड़ी पत्ते का अगर आप सेवन करते हैं, अगर कोई डायबिटिक है तो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसका रीज़न क्या है वो तो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि कड़ी पत्ता एक एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह काम करता है। अब चलिए दूसरा फायदा जान लेते हैं कड़ी पत्ते के बारे में। अगर किन्हीं को वजन घटाना है, वेट लूज करना है, तो यह कड़ी पत्ता उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। जी हाँ, कड़ी पत्ते की चाय बनाकर आप इसका सेवन करें तो कुछ महीनों के बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हो सकता है आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, बस कड़ी पत्ती की चाय पियो और वजन घटा लो। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि अगर सिर्फ कड़ी पत्ती की चाय बनाकर और आप सिर्फ सोच रहे हैं बैठे बैठे ही हमारा वजन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वॉक पर जाना, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। और ये सारी चीजें के साथ अगर आप कड़ी पत्ते का सेवन कर रहे हैं, कड़ी पत्ते की चाय पी रहे हैं, तो आपको वजन घटाने में बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक ग्रीन टी की तरह। देखिए, ग्रीन टी सिर्फ अगर कोई पियेंगे तो उससे वजन तो कभी जिंदगी में नहीं घट सकता, लेकिन अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंक फूड अवॉइड कर रहे हैं, फिजिकली बहुत ही एक्टिव है, और साथ ही साथ अगर हम लोग ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो उसमें हमें एक हेल्दी बॉडी वेट रखने में मदद मिलेगी। जी हाँ, हम लोग मोटापे से दूर रहेंगे। तो ठीक कड़ी पत्ते की भी बात यही है। अब चलिए इस पत्ते के बारे में और भी कमाल की चीजें जानते हैं। नेक्स्ट फायदे के बारे में चलते हैं। देखिए, यह कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जी हाँ,
हम लोग अगर करी पत्ते का सेवन करते हैं या फिर इस करी पत्ते को हम लोग अपने बालों में लगाते हैं तो यह हमारे बालों को बहुत ही अच्छा बनाए रखता है। करी पत्ते को अगर पेस्ट बनाकर अपने बालों में अप्लाई किया जाए तो यह हमें डैंड्रफ होने से बचाता है, ग्रे हेयर होने से बचाता है और बालों को बहुत ही खूबसूरत बनाए रखता है। अब बात आती है कि इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। देखिए, ताजा कड़ी पत्ते को तोड़ ले अपने बालों के अनुसार। अगर आपके बाल लंबे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पत्ता तोड़ें और कम है तो आप कम पत्ते भी तोड़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद उसमें दही मिला ले और ये दोनों को मिलाकर आप इसे ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद आपको एक पेस्ट मिल जाएगा और उस पेस्ट को आप अपने बालों में आप अप्लाई करें। थोड़ी देर रहने दे और उसके बाद गुनगुने पानी से आप अपने बाल धो ले। सप्ते में अगर एक बार भी करते हैं या फिर महीने में अगर दो बार भी इस पेस्ट को अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपको कुछ महीनों के बाद इसका रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा। लगाते वक्त आप ये भी नोटिस जरूर से कर लीजिएगा कि क्या ये आपको सूट कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी नेचुरल चीजें भी किन्हीं को सूट नहीं करती है, इसलिए आप ये जरूर से ये ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो ये तो रही बात कि करी पत्ता हमारे बालों को भी बहुत ही शानदार बनाए रखता है। अब चलिए नेक्स्ट बेनिफिट जान लेते हैं। अगर किन्हीं को हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर हृदय रोग की अगर प्रॉब्लम देखी जा रही है तो करी पत्ता का सेवन अवश्य करें, क्योंकि करी पत्ता एक एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक एजेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि यह कोलेस्ट्रोल लेवल को प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है एलिवेट होने से। यह छोटा सा पत्ता हमें कैंसर से भी बचाए रखने में कारगर होता है। जी हाँ, यह हमें कैंसर से प्रिवेंट करने में मदद करता है। करी पत्ता अगर डायरिया के वक्त या फिर कॉन्स्टिपेशन अगर किन्हीं को है तो उस समय अगर खाया जाए तो यह बहुत ही हमें रिलीफ पहुंचाता है। अगर किन्हीं को अनीमिया है तो करी पत्ते का सेवन कहा जाता है करने के लिए, क्योंकि यह खून को भी बढ़ाने में मदद करता है। करी पत्ते में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। करी पत्ता हमारे चेहरे के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए इसका सेवन जरूर से करें। तो अभी तक आप सभी ने इस करी पत्ते के बारे में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जान लिए होंगे। अब चलिए ये जान लेते हैं कि यह करी पत्ता इतना कमाल की चीजें कैसे कर पाता है। आखिर इसमें ऐसी क्या चीजें होती है, इसमें आखिर क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो कि इसे खास बनाता है, चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, करी पत्ता एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन मिनरल का। इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में होती है। इसमें अल्कलॉइड होते हैं, फ्लेवोनॉइड होते हैं, एस्टेरॉल होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, बीटा कैरोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें इस छोटी सी पत्ती में पाई जाती हैं। अब आप भली भांति जान गए होंगे कि ये सारे न्यूट्रिएंट के कारण ही यह पत्ता बहुत ही खास होता है, जो कि हमारे हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि करी पत्ते के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है और इसमें क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि इस पत्ते को कितना खाना चाहिए। देखिए, करी पत्ते का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है, हम सभी को करना चाहिए, लेकिन ध्यान इस बात का जरूर से रखें कि हद से भी ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एक्सेसिव करी पत्ते का अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे हमारा पेट खराब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। इसलिए करी पत्ते का इस्तेमाल अवश्य करें, लेकिन लिमिट में करें। यह छोटा सा करी का पत्ता बहुत ही फायदे की चीज है, यह हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा बनाए रखता है। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप सभी इसका एक पौधा ही घर पर लगा लें।
जब चाहे उसी समय फ्रेश तोड़े और अपने खाने पीने में इसका इस्तेमाल जरूर से करें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो का कंटेंट काफी अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन है या फिर ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।